इतना क्या सोच रही हूँ, चलो बनाए लेती हूँ रेनबो नेक पीस। तो इसको बनाने के लिए भी मैं मेरी ऑल टाइम फेवरेट क्ले, मतलब फेविक्रिल के क्ले के यूज करूंगी। तो पहले ना हमें क्ले की जो हार्डनर और सॉफ्टनर होते हैं दोनों को मिला के ना अच्छे से पतला पतला रोल कर लेना है, फिर ऊपर और नीचे की तरफ एक के बाद एक रोल को अटैच करते जाना है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो यहाँ पे ना मैंने साइड पे थोड़ा सा क्लाउड बनाने की कोशिश की, इसके ऊपर मैं एक छोटू सा लाभ बनाऊंगी और साइड में मैं थोड़ा सा कुछ लिखने की कोशिश करूंगी, इसीलिए ऐसे कर दे रही हूं, मतलब ऐसे। तो हैंग करने के लिए ना मैंने यहाँ पे ये जो मेरे पास आर्टिफिशियल रोज था इसके नीचे मुझे वायर दिखा है, तो इस वायर को मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। जब ये सूख जाएगा उसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है, मैं और दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो कलर एंड वार्निश कम्प्लीट हो गया है, अब इसके अंदर हमें चेन इंसर्ट कर लेना एंड दैट्स द फाइनल लुक। तो ये क्यूट सा नेकलेस बनाने के लिए आपको चाहिए 20 रुपए वाली फेविक्रिल की क्ले। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपके पास फेविक्रिल की क्ले नहीं है तो कोई भी आर्डियर क्ले यूज कर सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे क्ले की मदद से मछली की बॉडी बना लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो नेकलेस पहनने के लिए होल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर की वेयर को यहाँ पे एज ए होल यूज किया है। अब मछली की डिटेलिंग करने के लिए आपको चाहिए एक सुंदर सा सेफ्टी पिन, आई मीन सिंपल सेफ्टी पिन। तो डिटेलिंग के बाद क्ले से मछली की पंख बना लेना है, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ग्लू मछली की बॉडी के साथ उसको अटैच कर देना है। अब इसकी आंखें बनाना है और इसके पूंछ को थोड़ा और ज्यादा स्टाइलिश बनाना है। अब ये बनके रेडी हो गया, इसको सूखने के लिए एक घंटा ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये सूख जाने के बाद इसके ऊपर कर दीजिए आपके मनपसंद कलर, और एक बात बार्निश करना मत भूलना, बार्निश इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार्निश की वजह से आगे इसके ऊपर शानदार चमक और ये हो जाएगा हमेशा वेदर से सिक्योर। तो इसको बना के मैंने अपने सेकंड कलर के टॉप के साथ पहन भी लिया है, तो देखो मैं लग रही हूँ ना खूबसूरत। पे ले लिया है फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले, आप कोई भी एड्रेक ले सकते हो। इस क्ले को लेके हमें ना एक छोटू सा कैमरा बनाने की कोशिश करना है, तो मैंने ऑलमोस्ट बना लिया है। फोटो खींचना, फोटोग्राफी करना तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। आपको एक टिप्स दूं, तो स्पेशली मैं करती हूँ, जब भी मेरा मन खराब होता है ना मैं फटाफट थोड़ी सी मेकअप कर लेती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फोटो खींचती हूँ अपना, और खुद की फोटो देख के इतनी ज्यादा खुश हो जाती हूँ ना, क्या बताऊँ आपको। बहुत हो गया बातें, अब चलो क्राफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज ना मेरे पास कोई वायर नहीं था, इसलिए मैंने हुक बनाने के लिए यहाँ पे इस इयररिंग्स की यूज किया है। अब ना हमारा कैमरा बन गया है, हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर करेंगे कलर और फिर वार्निश, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक कैसी लग रही हूँ मैं इसको पहन के। आहा, पिस्ता खाने के बाद लोग इसके मोटे मोटे छिलकों के बाहर फेंक देते हैं, बट मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप ये काम करने के पहले दो बार सोचोगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कॉपी बुक या कोई भी प्रोडक्ट की जो मोटा थिक पेपर होता है, वो मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक की जो पैकेट होती है उसकी यूज की है। सबसे पहले इस कवर को हम हाफ राउंड की शेप में काट लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर पिस्ता बादाम के छिलके को अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू। यहाँ पे फेविक्रिल की क्ले की भी यूज किया है, तो मैंने ना यहाँ पे बड़े वाले पिस्ता बादाम को पहले अटैच किया, उसके बाद मीडियम, फिर छोटे वाले को अटैच किया है। सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसके ऊपर छोटी छोटी छेद करूंगी और क्ले से मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और डिटेलिंग करूंगी। आई गेस आपको पता चल ही गया ना कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो लास्ट में मैंने इसके ऊपर एक्रेलिक कलर की अप्लाई करके फिर इसके ऊपर वार्निश कर दिया। पीछे की साइड में मैं चेन अटैच करूंगी विद द हेल्प ऑफ फेविक्विक। पीछे मैंने फेविकोल और टिश्यू पेपर को अच्छे से लगा दिया ताकि ये और भी ज्यादा सिक्योर हो जाए, और मैंने एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया। वाओ कितना मस्त बना ये नेकलेस, नेक्स्ट टाइम से जब ये छिलके फेंकने जाओ ना उसके पहले मेरे घर पे पार्सल कर देना।